आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है जो हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं टॉपिक्स, तो आप लोग पूछ सकते हो। जी जनरली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग क्या चीज पढ़े हैं। वाटर को हमने एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहा था ना, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम वाटर को एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहते हैं तो उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो इतनी डाइवर्स वेराइटी ऑफ सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने का पोटेंशियल रखता है। तो सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया था कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल है। लेकिन एंड पे हमने ये चीज भी कंफ्यूज की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर में ही यूनिक नहीं है, बल्कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके अपने जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेंटेन करने में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्शनल इन नेचर है, ये कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में वीक है, और जब हम वाटर के अंदर किसी आयनिक पोलर नॉन पोलर या एम्फीपैथिक सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वो वाटर के अंदर किस तरह से डिसॉल्व होते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है, जिसमें ज्यादा मैंने एम्फसाइज किया था ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स या फैटी एसिड्स इन द वाटर मॉलिक्यूल। कि जब भी आप किसी लिपिड ड्रॉपलेट को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो इस केस में आपके पास जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है वो बायलेयर या मायसील्स का स्ट्रक्चर बनता है। ये क्यों बनता है इसमें हम लोग 2 से 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये थर्मोडायनेमिकली या एनर्जेटिकली एक फेवरेबल स्ट्रक्चर है, बिकॉज इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई आपके पास जितने भी लिपिड्स हैं अगर वो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बायलेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर आपके वो डाइट्री लिपिड्स हैं तो वो मायसील्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो लिपिड्स हमेशा इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर जो है उसे अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज दीज आर कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर्स। फिर हमने बात की थी कि हम सेल की ऑस्मोलैरिटी को डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो हर कंडीशन में हर तरह के सॉल्यूशन में सेम रहती है। हमने ये डिस्कस किया था कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्चुअली ये चीज डिसाइड करती है कि आपके पास जो सेल है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगा, श्रिंक करेगा या बर्स्ट करेगा। ठीक है, सो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है ये एक्चुअली वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जिस कंपार्टमेंट में या जिस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर की नेट मूवमेंट उधर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से समटाइम्स सेल जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं और समटाइम उनकी श्रिंकेज हो जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो यूजुअली पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं, स्टार्च की बात करते हैं, तो ये ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करते बल्कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सेल ने पहले ग्लूकोज को पिक करना है, लिवर में लेके जाना है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, और जब स्टारवेशन होगी दोबारा ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना है, ग्लूकोज को प्लाज्मा में रिलीज करना है। यानी ये बीच की एफर्ट जो है ये असल में किस लिए है, इसकी अगर जरूरत है तो वो किस लिए है कि उसने सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सेल ग्लूकोज को अपनी ग्लूकोज या मोनोमेरिक फॉर्म में स्टोर कर लेता, लेकिन उससे होना क्या था कि सेल के अंदर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाने थे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जानी थी, जिसकी वजह से वाटर की नेट मूवमेंट जो है वो इनसाइड का सेल होना शुरू हो जानी थी जैसे इस केस में, और सेल ने बर्स्ट हो जाना। तो इस बर्स्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जितने भी जो स्टोरेज सेल्स हैं जिसमें लिवर आता है, मसल आता है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो ग्लूकोज को नहीं बल्कि ग्लाइकोजन को फेवर करते हैं। ग्लूकोज कभी भी अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में सेव नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो वाटर है वो एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रोटॉन हुपिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू प्रोटॉन स्पेसिफिकली अपने एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव कर जाते हैं। और इसके बाद हमने आयनाइजेशन ऑफ वाटर को डिस्कस करना शुरू किया था कि प्योर वाटर के अंदर अगर हम हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका एक जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, इस केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, उस कॉन्स्टेंट को डिराइव करना है कि के इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ, परेशान तो नहीं होगी, ये चीजें पुरानी है, हमने पहले पढ़ ली है। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दिस इज अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। और लास्ट लेक्चर में मैंने इस केमिकल रिएक्शन से आप लोगों को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेरिवेशन बताई थी।
कि हमारे पास एक्चुअली अगर हम इस केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जस्ट लाइक द अदर केमिकल रिएक्शन, जस्ट लाइक द अदर रिवर्सिबल रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और अगर प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है तो आप उनका प्रोडक्ट लोगे. सिमिलरली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यूजुअली हम कहते हैं कि बिकॉज इट इज अ रेशियो तो इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इस केस में आपके पास जो आप देखें प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ मोल्स है वो रिएक्टेंट्स के मुकाबले में ज्यादा है. लाइक अगर यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन मोलर है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, तो इस केस में इसके यूनिट्स आएंगे. बिकॉज के इक्विलिब्रियम यूनिटलेस एक्सप्रेशन तब होगा जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे, लेकिन इस केस में ये इक्वल नहीं है. फिर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन से के इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन की बात करते हैं तो के इक्विलिब्रियम जस्ट लाइक द अदर कांस्टेंट, इसको हम यूजुअली कहते हैं कि दिस इज अ कांस्टेंट. और हमें ये भी पता है कि जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, जितने भी कांस्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होती. उनको हम कुछ खास किस्म की कंडीशन के ऊपर उस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं, लाइक जनरल गैस कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो आप लोग क्या करते हो कि दिस के इक्विलिब्रियम इज नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, आप किसी भी कांस्टेंट को कैलकुलेट तब करते हो जब उस केमिकल रिएक्शन को आप कुछ खास किस्म की कंडीशंस पे स्टडी करते हो, एंड दीज कंडीशंस आर दी स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, यानी कांस्टेंट आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको आपने इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया ऑन दीज कांस्टेंट्स या स्टैंडर्ड कंडीशंस, और उन कंडीशंस पे आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को पुट करके इसकी एक वैल्यू डिराइव की, और वो वैल्यू अब कांस्टेंट रहेगी बिकॉज इन कंडीशंस के ऊपर हमेशा आपके पास इस केमिकल रिएक्शन के लिए वही वैल्यू आएगी. ठीक है, सो अगर उस वैल्यू को हम यहाँ पे देख लेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम वाज इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁶ मोलर. ठीक है, दूसरी तरफ इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने वॉटर की कंसेंट्रेशन की बात की थी कि आपके पास अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन्स कि ऐसा वाटर जिसमें ना तो कोई एसिड है ना ही कोई बेस है. ठीक है, उसमें सिंपली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस है. सो प्योर वाटर की मोलैरिटी इटसेल्फ एक कांस्टेंट है. प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा आपके पास आएगी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप मोलैरिटी या कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोलर. और अगर आप ये चीज देखना चाहते हो कि ये कांस्टेंट किस तरह से निकला है तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर वॉल्यूम इन 1 dm³. सो प्योर वाटर के लिए आप मास को 1 ग्राम पुट करते हो, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होगा बिकॉज वॉटर के अंदर वी हैव 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. इसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 16 है और यहाँ पे यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम, तो ओवरऑल आपके पास 18 ग्राम पर मोल. सो 1/18, 1000/1, सो 1000/18 आपके पास आएगा 55.5 मोल. ठीक है, सो आपके पास इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में यू हैव 2 कांस्टेंट एक्सप्रेशन, मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर एंड के इक्विलिब्रियम. नाउ दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ मैथ्स कि आपके पास अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन में कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली हैं तो आप क्या करते हो कि कांस्टेंट्स जितने भी एक्सप्रेशन है उनको एक तरफ कर लेते हो और वेरिएबल्स को आप जो हो दूसरे साइड पे कर लेते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव. और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करके लास्ट लेक्चर में ये निकाला था कि जो प्योर वाटर है इसमें आपके पास के इक्विलिब्रियम एंड मोलैरिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, इनकी वैल्यूज को पुट करते हो 1.8 × 10⁻⁶ मोलर, और दूसरी तरफ यू हैव 55.5 मोलर, तो आपके पास आंसर आएगा 1.0 × 10⁻⁴ मोलर स्क्वायर. इट मींस कि आपके पास प्योर वाटर के अंदर इन दोनों वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है हमेशा वो 10⁻⁴ के इक्वल आएगा. इट विल अगेन बी अ कांस्टेंट. इट मींस कि आप कह सकते हो कि दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट होता है, और इस केस में आप इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को कहोगे कि दिस विल बी के डब्ल्यू, व्हिच इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर.
विच मीन्स कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आयंस जो के वाटर के डिसोसिएशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं. समझ आ रही है? ठीक है, ये मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बताया था. जी जी बोले बिल्कुल. वो हाइड्रोनियम आयन मैंने इसलिए लिखा था कि प्योर वाटर के अंदर जब प्रोटॉन रिलीज होते हैं ना तो समटाइम्स ये प्रोटॉन जो है इनको नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेता है. लाइक जैसे ये प्रोटॉन रिलीज हुआ है इसको कोई वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव आयन में. क्यों एक्सेप्ट करता है? बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटॉन्स एक एक्टिव मॉलिक्यूल है. जब आप एटीपी सिंथेसिस पढ़ोगे आगे बायोकेमिस्ट्री 2 में तो वहां पे आप ये चीज पढ़ोगे कि एटीपी की प्रोडक्शन के लिए खास किस्म की फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं. और ये फोर्स तब बनती है जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से खास अमाउंट ऑफ प्रोटॉन उठते हैं और वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं. इट मीन्स कि अगर प्रोटॉन विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, इनकी कंसेंट्रेशन कम ज्यादा होनी शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक ग्रेडियंट बन जाता है. एक कंपार्टमेंट में प्रोटॉन इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में उनकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है. और जहां पे भी प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बनता है वहां पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन जाती है. इसलिए जो वाटर है वो प्रोटॉन को फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करने देता बल्कि उसे एक्सेप्ट कर देता है. और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने प्रोटॉन थ्योरी में भी यही चीज पढ़ी कि प्रोटॉन्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे बल्कि जैसे ही किसी एक वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन रिलीज होता है तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसे पिक करके आगे पास करते हैं. इज इट क्लियर? सो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज कंक्लूड की थी कि एक्चुअली एक प्योर वाटर के अंदर आपके पास इन दोनों आयंस का प्रोडक्ट हमेशा 1.0 × 10⁻¹⁴ मोलर स्केल के इक्वल आना चाहिए. और इसको हम कहते हैं कि दिस इज KW और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर. प्योर वाटर में चूंकि इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम होती है, हम ये कहते हैं ना कि अगर वाटर प्योर है तो उसमें जितने H पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन आयन है उतने ही उसमें हाइड्रोक्साइड आयन. सो प्योर वाटर के केस में अगर आप इनकी इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन की बात करते हो तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.0 × 10⁻¹ मोलर जिसका हाफ है एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन विल बी 1.0 × 10⁻¹ मोलर. और इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लो तो आपके पास यही वैल्यू है. अब अगर वाटर के अंदर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन किसी वजह से कम या ज्यादा होती है, लाइक मैं यहाँ पे कहती हूँ कि प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन 10⁻⁶ है इस पर्टिकुलर तो आयनिक प्रोडक्ट को 1 × 10⁻⁴ रखने के लिए उतनी ही कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की इंक्रीज होगी. ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरिएबल्स अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट हमेशा इस फिक्स्ड या कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल है. ठीक है, और इस चीज को बेस बनाते हुए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स का कुछ हद तक जिक्र किया था कि हमारे पास जो किसी भी मीडियम के अंदर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है उनको कैलकुलेट करने के लिए हम pH का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर इस मीडियम के अंदर पर्टिकुलरली इसको अगर आप ऑब्जर्व करें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻¹ है, इसी मोमेंट के अंदर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ हो. ठीक है, अगर आपके पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली माइनस पार्ट्स में इंक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो माइनस पार्ट्स में क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी. यानी जितना एक वेरिएबल की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा उतना ही दूसरे वेरिएबल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ताकि आपके पास जो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल आए. That's the reason कि आपके पास जो pH स्केल है वो कभी भी 14 को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है 1 × 10⁻¹⁴, इसके अलावा कोई रेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने किया था. लास्ट लेक्चर में हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट लिया था. ओके बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम लोग आगे मूव करते हैं कि हमारे पास वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स. Some acids are strong and some acids are weak acids. Weak acids को समझने में थोड़ा ज्यादा हम लोग जो है वो focus इसलिए करते हैं because आगे जो buffers का concept है वो इन weak acids के ऊपर base करते हैं. So आप लोग भी weak acids के behavior को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. Strong acids के बारे में तो हम simply जानते हैं कि if we have a strong acid, for example HCl,
और किसी भी मीडियम के अंदर आपने इसको ऐड किया है तो ये फौरी तौर पे जितने प्रोटॉन इसके अंदर हैं, यहाँ पे दिस इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये HCl के जितने मोल्स आप ऐड करेंगे, अगर वन मोल ऐड कर रहे हैं तो ये वन मोल प्रोटॉन भी रिलीज कर देगा, टू मोल्स ऐड कर रहे हैं तो ये टू मोल्स प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिनको जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया ये अपने प्रोटॉन्स को रिलीज कर देंगे, बिकॉज कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसी फोर्स या एजेंट नहीं है जो कि इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा। और दूसरी बात यह कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो कि कुछ खास किस्म की कंडीशंस के ऊपर एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे, और ये सिर्फ एसिड के तौर पे एक्ट नहीं करते बल्कि जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो एक कॉन्जुगेट बेस को भी प्रोड्यूस करेंगे। यानी इनके केमिकल रिएक्शन की ये स्पेशलिटी है कि प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट में एक कॉन्जुगेट बेस भी प्रोड्यूस होगी, और कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी बेस होती है जो कि एसिड की हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस हो रही है, एंड बिकॉज दिस इज अ बेस सो इट हैज अ पोटेंशियल कि ये दोबारा से एसिड को एक्सेप्ट कर सके और दोबारा से जो है वो डी प्रोटोनेटेड एसिड में कन्वर्ट हो सके प्रोटोनेटेड। ये जो फॉर्म है इसको मैं आगे भी लेक्चर में प्रोटोनेटेड का वर्ड यूज करूंगी। प्रोटोनेटेड मीन्स कि जब इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो फॉर्म है इसको कॉन्जुगेट बेस को समटाइम्स मैं डी प्रोटोनेटेड फॉर्म कहूंगी, व्हिच मींस कि इस टाइम इसमें प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? अब कौन सी फोर्स है या कौन सा फैक्टर है जिसने वीक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को कंट्रोल करना है? इसका एसिडिक बिहेवियर यही है ना, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज करे इस डायरेक्शन में ये एज एन एसिड एक्ट करेगी ना, तो अब कौन सा ऐसा पैरामीटर है या कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसे बताएगी कि तुमने इस कंडीशन में या इस सिनेरियो में एज एन एसिड एक्ट करना है, ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं। सो जितने भी आपके पास वीक एसिड्स होते हैं, ये सिर्फ मैं एसिटिक एसिड पे अप्लाई नहीं कर रही, मैं ऐसा होल सारे वीक एसिड्स की बात कर रही हूं, इसमें यहां पे मैं इस केमिकल रिएक्शन को रिप्लेस कर देती हूं विद HA एनी एसिड, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन अवेलेबल है, और ये एक केमिकल रिएक्शन यानी एज एन एसिड एक्ट करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है और साथ में कॉन्जुगेट बेस को प्रोड्यूस करता है। जितने भी वीक एसिड्स हैं उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर इस केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट करें, इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एसिड। मैंने आप लोगों से कहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन वीक एसिड में देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ फैक्टर जो कि उस एसिड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रहा है। अब जब मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगी तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि ये वो फोर्स है जो कि उसको एज एन एसिड एक्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सो दिस फैक्टर और दिस फोर्स इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और बिकॉज दिस इज एन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड रिएक्शन या एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो समटाइम्स इसे KA भी कहा जाता है। K इक्विलिब्रियम की बजाय से क्या कहा जाएगा? KA, which means कि it is an acid dissociation constant, acid dissociation constant, और ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की तरह का ही, सिर्फ हमने इसको एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इसलिए कहा है because this is an equilibrium constant of acid hydrolysis reaction, that's why. अब अगर आपके पास दो weak acids हैं, like एक तरफ acidic acid है, दूसरी तरफ आपके पास phosphoric acid है, और इसमें से किसी एक acid का जो acid dissociation constant है वो ज्यादा है, दूसरे acid का acid dissociation constant कम है, तो जिस acid का acid dissociation constant ज्यादा है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लो है वो कंपैरेटिवली वीक होगा। यानी इस स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब है? इट मींस कि आपके पास अब आप कंपेयर कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपके पास एक साइड में आएंगे, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना,
दूसरी तरफ आपके पास ये एसिड है जिसके अंदर आपके पास इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए यू हैव एन एक्सप्रेशन एंड द नेम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. हर यू हैव फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 वीक एसिड्स. हर वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दूसरे वीक एसिड से डिफरेंट है. सो आप आपने उनको भी तो अलाइन करना है ना कि इसमें सबसे वीक कौन सा है, उसके बाद मॉडरेट नंबर पे कौन आ रहा है और कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड के करीब करीब कौन सा एसिड है. तो उसको आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. और स्ट्रेंथ को आपने किस बेस पे देखना है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. इट मींस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम लोग करते हैं कि हम इस के ए वैल्यू का भी नेगेटिव लॉग लेते हैं. और जब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव लॉग को हम रिप्लेस करते हैं विद स्मॉल पी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पीएच में करते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज पीओएच. सिमिलरली नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज पीकेए. और आपके पास एसिड की स्ट्रेंथ और उसकी पीकेए वैल्यू के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना. अगर आप डायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ वाला जो कांस्टेंट है पीए उसके साथ रिलेशनशिप देखते हो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन जैसे ही हम किसी भी स्पीशी का नेगेटिव लॉग दे देते हैं तो हमारा उसके बाद जो कंसंट्रेशन के साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप. बिल्कुल उसी तरह जैसे पीएच के केस में था कि पीएच में जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है उतनी ही पीएच ड्रॉप होती जाती है और हम कहते हैं उतना ही ज्यादा इसमें एसिडिक बिहेवियर. तो नेगेटिव लॉग की वजह से आपने कौन सा रिलेशनशिप माइंड में रखना है, इनवर्स. अगर कोई से दो एसिड्स आपको कंपैरिजन के लिए दिए जाते हैं और उनकी पीके वैल्यू की जाती है तो तब आप उनमें से जो लोएस्ट एसिड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा होगी वो वीक होगा. लेकिन अगर के ए वैल्यूज दी जाती है तो उस केस में आपने डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना. ओके बच्चों, अब मेन पॉइंट आज के लेक्चर का भी और इस पॉइंट के ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल्स और आपकी जो अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन है वो बेस करती है. सो मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ कि इस टाइट्रेशन कर से हमने बहुत से ऐसे पॉइंट कंक्लूड करने हैं जो कि मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग नोट्स बना के अपने पास सेव करें, क्योंकि आप लोग जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी स्क्रीनिंग टेस्ट में जाते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि पीएच और पीकेए वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप ना पूछा जाए, पर्टिकुलरली अगर आप जो है वो प्रोटीन्स पे कोई काम कर रहे हैं या एंजाइम्स पे काम कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में तो वैसे एंजाइम्स के बगैर जो है वो कोई काम करेंगे. सो अब मैं आप लोगों के सामने एक टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ कर रही हूं. जी जी, बस मुझे एक दो पॉइंट्स बता दो उसके बाद अभी है 5 मिनट. ओके बच्चों, टाइट्रेशन कर्व मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, डेफिनेटली इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपने अभी अपने माइंड में रखने हैं. इसमें हम दो कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं जिसमें एक तरफ हम देखते हैं, यूजुअली आप लोगों ने एफएससी में भी टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट्स को माइंड में रखें क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये इंडिकेटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें एसिड और बेस हम क्यों डाल रहे हैं. टाइट्रेशन एक्चुअली होती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सोल्यूशन ऑफ बेस, उसमें आप एक एसिड की ग्रेजुअली अमाउंट ऐड करते हो और उसके बाद आप देखते हो कि क्या इस एसिड को ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन की पीएच चेंज होती है या ठीक है. और ये आप क्यों चेक करते हो, बिकॉज हम ये भी कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ वीक एसिड है ना बफर के तौर पे भी ऐड करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर ग्रेजुअली हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को ऐड करते जाए, यहाँ पे मैं हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करूंगी सॉल्यूशन के अंदर और उस हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से पीएच में आने वाले चेंज को मैं नोट करती हूँ.
ठीक है, यानी यहाँ पे आपने क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि किसी सोल्यूशन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हो, सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर आपने वीक एसिड ऐड किया हुआ, दिस इज अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट है जिसमें आप ऐड कर रहे हो हाइड्रोक्साइड आयन, और आप ये देख रहे हो कि ये वीक एसिड पीएच को किस तरह रेगुलेट करता है, क्या इस वीक एसिड की प्रेजेंस में पीएच चेंज होगी या नहीं, या किस किस्म का बिहेवियर होगा। अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड इस किस्म के टाइट्रेशन कर्व शो नहीं करते, बिकॉज जैसे ही आप इस सॉल्यूशन के अंदर ओएच नेगेटिव आयन ऐड करोगे फौरी तौर पे वो अपने प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, लेकिन वीक एसिड किसी खास पॉइंट के ऊपर जाके प्रोटॉन को रिलीज करता है, इसलिए वीक एसिड की कर्व हमारे पास स्ट्रेट नहीं आती बल्कि इसमें इस तरह से हमारे पास एक टाइट्रेशन कर्व होती है। बात समझ आ रही है कि अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड कर रहे हैं तो उस हाइड्रोक्साइड आयन के ऐड करने के बाद क्या एसिड, यूजुअली ऐसा ही होना चाहिए ना कि अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर बेस को ऐड करने हैं तो एसिड को एज एन एसिड एक्ट करना चाहिए, अपने प्रोटॉन रिलीज करने चाहिए ताकि सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो, होना चाहिए ना ऐसा। लेकिन वीक एसिड जो है वो किसी खास पॉइंट या किसी खास कंडीशन के ऊपर एज अ एसिड एक्ट करेंगे। अब हमने वो कंडीशन देखनी है कि आखिर किस पॉइंट के ऊपर जाके एक वीक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करता है, समझ आ रही है? ओके, वो ही देखने जा रहे हैं, ग्रेजुअली देखते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन, एक्सक्यूज मी मैम, मैम क्विज का टाइम हो गया, यानी ग्रेजुएशन आ गई, चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह।